नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम विद्यु। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम एक ऐसी परंपरा के बारे में जानेंगे कि आप स्वयं दंग रह जाएंगे। जैसा कि हमारे समाज में हम देखते हैं कि लड़कियाँ जो है विदा होती हैं, लेकिन यहाँ पर लड़के विदा होते हैं, पहली बात। और दूसरी जो आश्चर्यचकित करने वाली बात है वो ये है कि हमने जैसे देखा है कि एक पुरुष के कई पत्नियां होती हैं, लेकिन इस समाज में एक पत्नी के कई पुरुष होते हैं, अर्थात एक महिला को कई शादी करने की छूट प्रदान की गई है। और इसके साथ साथ यहाँ पर हम जैसे कि पितृसत्ता वाली भावना से जी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मातृसत्तात्मक दृष्टिकोण देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ बताया जा रहा है कि मेघालय की जो तीन जनजातियाँ जिनका उल्लेख किया जा रहा है यहाँ पर, गारो, खासी और जयंतिया, ये जो जनजातियाँ हैं यहाँ पर अभी भी जो माता है उसे महिला, जो महिला होगी वही तो माता होगी, तो यहाँ पर महिलाओं को बहुत उच्च स्थान प्रदान किया गया है। जैसे कि हमारे समाज में, अपना जो समाज है यहाँ पर क्या है कि यहाँ हम ज़्यादा वरीयता पुरुषों को देते हैं। तो पुरुष ही एक दिन पिता, पति और भाई के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि खासी जो जनजाति है दोस्तों, वहाँ पर महिलाओं को कई शादियाँ करने की छूट मिली हुई है। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक समस्या यह भी होती है कि यहाँ बताया गया जिसके कारण इनके कई जीवन साथी होते हैं। और यहाँ सबसे प्रमुख सवाल ये होता है कि जो बच्चे का पिता है वो कौन होगा। तो इसीलिए जो बच्चे का नाम होता है वो माता के नाम के साथ रखा जाने लगा। तो ये मूल बात है। तो जैसे कई शादियाँ हैं, कई जीवन साथी हैं, तो पिता का चुनाव करने में समस्या होती थी, जिसके कारण जो बच्चा होगा उसका नाम संस्करण जो होता है वो माता के आधार पर होता है। ये पूरा मामला हमने देख लिया। और उसके साथ साथ यहाँ बताया जा रहा है दोस्तों आगे कि महिलाएं अपनी इच्छा पर किसी भी वक्त अपनी शादी तोड़ सकती हैं। जैसे यहाँ पुरुष को जो है कि अधिकार मिला होता है कि वो एक झटके में अपना जो है कि, जैसे वही था मुस्लिम समाज में था कि तीन तलाक बोल के शादी तोड़ी जाती थी, इस तरीके की कई बातें थी और उसमें कई बातें शामिल हैं। ऐसा नहीं कि मैं एक लाइन बोल के कोई अभद्र टिप्पणी कर रहा हूँ, वहाँ पर भी बहुत से प्रावधान हैं। तो यही बात है कि यहाँ पर महिलाओं को ये अधिकार है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, आप इसे गलत अर्थ में ना लें। जैसे अपने समाज में ही है कि पत्नी को भगा दिए और दूसरी के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो इस टाइप की यहाँ पर पूरी स्वतंत्रता है। मतलब ये समाज हमारे समाज से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ेगा। और यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि यहाँ के जो पुरुष हैं वो कई बार इस प्रथा को बदलने की मांग करते हैं। और उनका कहना है कि हम बराबरी के हक के लिए ऐसा कह रहे हैं। आपको जानकर ताजुब होगा कि हमारे समाज में यही बातें महिलाएं कहती हैं कि जब पुरुष, मतलब जेंडर के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, असमानता प्रदर्शित करी जा रही है, उसको खत्म करने की बात कौन करती हैं? महिलाएं करती हैं और यहाँ पर पुरुष कर रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि हम ऐसा करके महिलाओं का अधिकार छीनना नहीं चाहते। हमारा ये कहने का तात्पर्य यह है कि हमें भी महिलाओं के समान अधिकार प्रदान किए जाएं। तो यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि दुल्हन के घर आकर रहता है कौन? पुरुष। जो दूल्हा होता है वो दुल्हन के घर आके रहता है, जबकि हमारे समाज में क्या बात है कि दुल्हन जो है वो दूल्हे के घर जाती है, लेकिन यहाँ एकदम अपोजिट है। इसीलिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया। और यहाँ बताया जा रहा है कि जो ससुराल होता है वहाँ पति का आना जाना लगा रहता है, लेकिन जब संतान हो जाती है तब वह पुरुष अपने ससुराल में अस्थाई रूप से रहने लगता है। गजब की मतलब यहाँ पर धारणाएं हैं और मज़ेदार भी है, अपना समाज चल रहा है। और इसके बाद बताया जा रहा है कि तलाक के बाद, जैसे मैंने शुरू में बताया आपको कि तलाक के बाद जो संतान होती है उस पर पति का अधिकार नहीं होता। जैसे भी एक महिला पुरुष होती है तो अपने यहाँ क्या होता है कि जैसे जनरल वे में यही देखा जाता है कि जैसे पत्नी चली गई तो जो पति होता है या उसका परिवार होता है, वो जो बच्चा होता है उस पर जो दूल्हा वाला पक्ष है, पुरुष पक्ष है, उसका अधिकार होता है। अपने समाज की ऐसी धारणा है और यहाँ पर एकदम अपोजिट। तो मतलब जो हमारे समाज में बातें हैं उससे अलग इसकी कहानी दिखाई पड़ रही है। और यहाँ बताया गया कि यह प्रथा, जैसे मैंने शुरुआती दौर में बता दिया कि यह प्रथा खासी जनजाति में विद्यमान है, और यहाँ पर एकदम अपोजिट। अपने यहाँ दहेज प्रथा जैसी कि बहुत सी भावनाएं रखी गई हैं, जैसे पता लगा कि तीन बहू हैं और इसके मान लीजिए बीच वाली की जो बहू है, जो बीच वाली बहू है वहाँ पर उसको दहेज कम मिला, तो उसके साथ थोड़ा भेदभाव अलग तरीके का होने लगता है। तो यहाँ पर बताया गया यहाँ दहेज प्रथा विद्यमान नहीं है, दहेज वाली समस्या भी नहीं है। और इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि परिवार की जो सबसे छोटी बेटी होती है उस पर सबसे अधिक जिम्मेदारी होती है, वही संपत्ति की मालिक होती है।
जैसे यहाँ तीन लड़कियां हुई तो जो सबसे छोटी वाली है उसको सबसे ज्यादा पावर मिलती है और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भी यहाँ पर इसी को निभाना होता है। और यहाँ बताया जा रहा है कि लड़का होने पर हमारे आपके यहाँ ज्यादा खुशी मनाई जाती है अपने समाज में, वहीं खासी जनजात में जब लड़की होती है तब ज्यादा खुशी मनाई जाती है। और जब मैं इसे पढ़ रहा था तो वहाँ एक जगह यह भी लिखा गया था कि जहाँ लड़कियों के होने पर खुशियाँ मनाई जाती हैं वहीं लड़कों के होने पर मातम मनाया जाता है और अपने समाज में एकदम अपोजिट। तो यहाँ तक का पूरा मामला हमने देख लिया और काफ़ी रोचक जानकारी मिली होगी। और इसके साथ साथ बताया गया कि लड़कों के पैदा होने पर खुशी नहीं मिलती, जबकि यहाँ पर जैसे अपने समाज में क्या है कि लड़कियों को दूर पढ़ने नहीं जाने देते, सब लड़के पढ़ने जाते हैं, और यहाँ बताया जा रहा है कि लड़कियाँ दूर दूर तक पढ़ने जाती हैं, लड़के घर का काम करते हैं, एकदम अपोजिट। और यहाँ बताया जा रहा है कि छोटे बड़े जितने भी फैसले होते हैं उनका सबका निर्णय केवल महिलाएं करती हैं, दुकान का काम महिलाएं करती हैं, घर का काम पुरुष करते हैं, बाहर का काम महिलाएं करती हैं, तो हमारे समाज से एकदम अलग इनका जीवन है, इसीलिए मैंने इसको बनाया। और यहाँ पर एजुकेशनल पर्पज से ही यह वीडियो बनाया जा रहा है, किसी का उपहास उड़ाने के लिए अथवा उस समाज अथवा उस प्रथा के प्रति कोई अभद्र टिप्पणी करने के लिए यह वीडियो नहीं बनाया जा रहा है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।